गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम अमित और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स क्रिएट न्यू में। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एसक्यूएल वर्कशॉप में कैसे वर्क करे, उसमें डेटा टाइप्स कैसे डाले, उसमें डेटा टाइप्स कैसे सिंक्रोनाइज करी, उसकी डेटा टाइप की वैल्यूज को कैसे एग्जीक्यूट करे। अभी इन सबको करना है तो एक तो चीज करनी पड़ेगी ना यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर दबा दो। क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियोस तो आने जाने लगेंगे, लेकिन हमारी बॉन्डिंग तो बननी रहनी चाहिए ना। उसके लिए सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन वो सब कुछ आएगा, ठीक है, समझे। तो चलिए आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, हम शुरू करते हैं हमारे टेबल कंटेंट से। तो हमारा आज का कंटेंट होने वाला है टडा, क्या होगा क्या होगा, आज मीत क्या समझाएगा, कैसे गर्लफ्रेंड बनानी है। अबे पागल औरत, इतना मारूंगा गर्लफ्रेंड बनाने की उम्र है? अब पढ़ाई करो, लिखाई करो, इतना कमाओगे ना, सामने वाली प्रिया होगी ना, वो भी आपके पास आएगी। और जानू मेरे को ले लो ना यार, यार क्या आप भी, ठीक है। और सुनो गाइस, एक और बात बता देता हूँ, हम नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको RDBMS, RDBMS और DBMS में अंतर बताऊंगा। DBMS क्या होता है, उसमें कैसे सिंक्रोनाइज होता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, ये बहुत दिनों से यार वीडियोस नहीं आ रही थी, उसका चक्कर ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया था। पहले तो गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए ना, ऐसी बात नहीं थी गाइस। मेरा मेरे जो सिस्टम था वो ठीक था, लेकिन जो मेरे ऑडियो का और वो सब कुछ था वो मेरे पास ठीक से नहीं था, इसलिए मैंने नया माइक परचेस किया। और अभी हम वीडियो फिर से शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, बैक टू द टॉपिक। तो गाइस, हमारा टॉपिक है कैसे हम टेबल बनाएं। यार सीट कैसे टेबल बनाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेबल्स टेबल आर द फंडामेंटल स्ट्रक्चर इन द डेटाबेस टू स्टोर द डेटा। यानी कि टेबल्स होते हैं वो डेटाबेस के फंडामेंटल स्ट्रक्चर, यानी कि एक अस्तित्व, एक मूड, एक मीन्स क्या बोलते हैं, एक रूट होते हैं जिससे डेटाबेस में डेटा स्टोर हो सकती है। डेटा कॉम्प्रोमाइज ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि डेटा रो और कॉलम से मिली हुई होती है। ईच कॉलम अ डेटा वैल्यू विच इज बी स्टोर्ड एंड ईच रो रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड ऑफ दैट टेबल। यानी कि कॉलम होती है वो डेटा वैल्यू दिखाती है और जो रो होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि रिकॉर्ड क्या हो रहा है। समझ लो, एक क्लास है जिसमें 166 स्टूडेंट्स है, ठीक है। अभी 166 स्टूडेंट्स में से मैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखूंगा, SR नंबर, यानी कि सीरियल नंबर, यानी कि 1 से लेके 166 तक। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा कि इन लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने फीस भर दी है, किन्होंने नहीं भरी है, किसके पास गर्लफ्रेंड है, किसके पास नहीं है, और क्यों ये इम्पोर्टेंट है, समझे। तो उसके लिए भी उसकी वैल्यूज होती है। उसके हमने लास्ट वीडियो में देखा था डेटा टाइप्स, जिसमें वार कैरेक्टर और वार कैरेक्टर टू, इन दोनों में इतना ही फर्क है जितना क्या बोलते हैं हमारे डेसिमल पॉइंट, यानी कि डबल और फ्लोट में है, ठीक है। डबल में क्या होता है कि वैल्यूज होती है वो ज्यादा एक्यूरेट, यानी कि ज्यादा अमाउंट में आती है, और फ्लोट में थोड़ी कम होती है, यानी कि उसमें स्टोरेज कैपेसिटी कम है और उसमें ज्यादा है। इसमें भी वैसा है, वार कैरेक्टर में कम है और वार कैरेक्टर टू में ज्यादा है, ठीक है, समझ गए। हम आगे देखेंगे, चिंता मत करो यार, यहाँ पे मैं मित बैठा है, आपका दोस्त, आपका प्रियजन। किसी को यहाँ पे कोई लड़की हो और कोई सिंगल हो पर मेरे साथ करना चाहती हो तो मैसेज कर देना यार, ठीक है। जस्ट किडिंग गाइस, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हम देखते हैं सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो सिंटेक्स के लिए तो हमको तो सिमुलेशन तो चाहिए होगा ना, तो उसके लिए यहाँ पे मैं अपना अकाउंट खोल लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये क्या देख रहा हूँ मैं, मेरी चैनल के आ गया है, यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं 109, कॉन्ग्रेचुलेशन। यहाँ पे 3,000 दिखा ले कि, लेकिन 3,000 नहीं है, 5,000 से ऊपर हो चुके हैं, ये सस्ता नशा करते, ठीक है गाइस। तो ओरेकल एपेक्स में जाएंगे और आज हम साइन इन करेंगे, ठीक है गाइस। साइन इन, यहाँ पे लिखूंगा मैं DBMS 166।
साइन इन हो जाओ रे बबुआ मेरे प्यारे बबुआ। तो यहाँ पे हमारा साइन इन हो चुका है गाइस, तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट करना चालू करेंगे। ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे एसक्यूएल के वर्कशॉप में, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने का, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने का एसक्यूएल कमांड्स में। ठीक है, ये मैंने पहले से ही बनाई हुई है, ये सारी टेबल्स है वो मैंने पहले ही बनाई हुई है। मैं आपको एसक्यूएल कमांड्स में जाके आज हम नई टेबल बनाएंगे, उसमें दिखाऊंगा कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे वैल्यू को देखेंगे, क्या 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 वैल्यू हम डाल सकते हैं क्या नहीं डाल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसका सिंटेक्स है क्रिएट टेबल, यानी कि उसका फंक्शन फंक्शनैलिटी दे रहे। उसके बाद टेबल नेम, टेबल नेम की जगह यहाँ पे मैं लिख लूँ मीत। ठीक है, मीत, ओके। और उसके बाद यहाँ पे देने का कॉलम नेम और उसका डेटा टाइप। ठीक है, तो यहाँ पे डेटा टाइप हम इसमें क्या क्या यूज करेंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, एक तो है नंबर, वार कैरेक्टर, वार कैरेक्टर 2, और हम यूज करेंगे डेट, डेट, अरे वो डेट नहीं जो आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ करते हो यार, मान रखो यार, प्लीज यार। ठीक है, हाँ ये डेट होगी जो हमारे, ये जो हमारे यहाँ पे देखो, यहाँ पे 18/7/2022 दिखा रहा है, यानी कि 18 तारीख। वैसे इसमें कैसे हम इनपुट करेंगे, किसे आउटपुट करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम चलो वैल्यू को ले लेते हैं, यहाँ पे कॉपी करेंगे, प्रोग्रामर्स होते हैं ये कॉपी पेस्ट करने के लिए, या पर यहाँ पे मैं आपको सिखा सिखा के आपको कॉपी पेस्ट कराऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है गाइस, बाद में यहाँ पे है क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, यानी कि हम प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं। ठीक है, ठीके? और यहाँ पे हमने नेम में दिया है वेयर कैरेक्टर 50, यानी कि 50 डिजिट तक हम लिख सकते हैं, यानी कि किसी का नाम हो यल्ला पाओ अल्लाह यल्ला पाओ अल्लाह कुछ भी हो, ऐसा 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 ऐसा, तो अप टू 50 तक वो लिख सकता है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे 10 और 2 दिया है, ये क्यों दी है मेरे को बता सकते हैं क्यों ये मैं दो दो दी है? पहले हम एग्जीक्यूट करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा। बाद में डिस्क्रिप्शन 150 वर्ड्स, यानी कि डिस्क्राइब करना कि भाई ये क्या है क्या नहीं है, तो उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रन करते हैं, टाना टाना, देखो यहाँ पे क्या आ गया है गाइस, टेबल क्रिएटेड। ठीक है, अब मेरे को देख रहा है कि टेबल सच में क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए क्या करूँगा, ये प्रोडक्ट हमारा टेबल का नाम है गाइस, ये याद रखना। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं कंट्रोल ले करके यहाँ पे लिखूँगा डिस्क, डिस्क यानी कि डिस्क्राइब, पूरा लिखना तो आप पूरा भी लिख सकते हो डिस्क्राइब। ठीक है, लेकिन डिस्क लिखोगे तो बढ़िया रहेगा, डिस्क्राइब क्या था हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, देखो गाइस आ गया डिस्क्राइब में, नेम 10 2। देखो गाइस यहाँ पे प्रिसीशन और स्केल लिखा रहा है, मेरे को बता सकते हो प्रिसीशन और स्केल क्या है? तो यहाँ पे नंबर, जो नंबर के जो वैल्यू जो हम डेटा टाइप्स होगी वो एक्चुअली हमारी कितनी होती है, 2, यानी कि 2 वैल्यू मीन्स 2 होती है, वो उसकी हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है ना 2। हमने C++ में देखा है कि कैरेक्टर की होती है वो 1 होती है ना, बाद में स्ट्रिंग की वो सॉरी नंबर की 2 और 4 होती है। ठीक है, और बाद में सॉरी नंबर यानी कि इंटीजर की, बाद में फ्लोट की 4 होती है, बाद में डबल की 8 होती है। तो वैसे ही यहाँ पे हमने नंबर में 2 दिए, यानी कि जो कंपाइलर है मीन्स ये जो हमारा ये प्रोग्राम रन करने वाला है वो समझ जाए कि ये जो वैल्यू है वो 2 तक सीमित है, यानी कि 2 अप टू 2। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे जो हमारा प्रिसीशन है यानी कि जो लेंथ होगी वो 10 तक होगी, यानी कि हम पूरा नंबर लिख सकते हैं, 9 हमारा नंबर होगा ना वो। ठीक है, तो मान लो कोई अरबों खरबों का है तो वो भी लिख सकते हैं, समझ गए? तो अभी तो ये तो हमारा फंक्शनलिटी था। ठीक है गाइस, अभी हम देखेंगे, 1 ही सेकंड, अब हम देखेंगे टेबल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, यानी कि अभी टेबल तो लिख लिया लेकिन अगर हमको कॉलम एडिट करनी हो, नाम चेंज करना हो, कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है, आफ्टर द टेबल इज क्रिएटेड, इफ वी वांटेड टू मेक द चेंज विद द टेबल स्ट्रक्चर लाइक एडिंग न्यू कॉलम, रिमूविंग एक्जिस्टिंग कॉलम, चेंज द डेटा टाइप्स ऑफ द कॉलम एक्सेट्रा, वी कैन यूज अल्टर कमांड टू डू मॉडिफिकेशन विद टेबल स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैंने टू टू दो बार लिख लिया, सॉरी गाइस मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एल्टर, ये नया कमांड आया है गाइस। ये नया कमांड क्या करेगा, हमारे जो एग्जिस्टिंग कॉलम्स होंगे वो भी निकाल सकता है, लगा सकता है, बाद में नई कॉलम लगा सकता है, बाद में डेटा टाइप्स को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये वो है जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में कौन होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड। तो ये वो बेस्ट फ्रेंड है जो कुछ भी कर सकता है अपनी बंदी के साथ, मीन्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कुछ नहीं कर सकता। समझे प्यारी, समझ गई। बाद में अभी हम देखेंगे एड कॉलम टू द टेबल, बिलो सिंटेक्स कैन बी यूज टू एड न्यू कॉलम, यानी कि ये जो एल्टर हमने ये यूज कर रहे हैं उससे हम देखो यहाँ पे पहले एल्टर, बाद में टेबल, बाद में उसका टेबल का नाम, यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे, ठीक है, बाद में एड कॉलम नेम डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम ये एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने ये गया, यहाँ पे वी किया, और यहाँ पे स्टूडेंट की बदले क्या लिखूंगा मैं गाइस, प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पे हम रन कर डालेंगे और ये डन। यहाँ पे देखो एड हो गई, अब मेरे को देखना है कि इसमें आ गई है कि नहीं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिस्क्राइब में भी जा सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो देखो ये मोबाइल नंबर आ चुका है गाइस, ठीक है, बाद में अबो एग्जाम्पल विल एड द न्यू, मैंने यहाँ पे मैंने नई वैल्यू डाली थी ना वैसे ही, ठीक है। बाद में देखो अगर डालनी है तो एड, और अगर निकालनी है तो ड्रॉप, ठीक है, सिंपल सिंपल द फंक्शन, फंक्शन सिंपल से गाइस, ड्रॉप यानी कि डिलीट। अभी ये हम थोड़ा जा रहे हैं प्रोग्राम, एक ही सेकंड गाइस, ओके डन, यहाँ पे मैं लिख डाल रहा हूँ ड्रॉप, तो देखते हैं क्या होगा। देखो गाइस एरर आ चुकी है, ऐसा क्यों, तो हम देखेंगे ऐसा क्यों हो गया, आप मेरे को बता सकते हो, मैं अभी आपको मैंने सिंटेक्स दिखाया, लेकिन आप बता सकते हैं क्यों 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 क्यों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डेटा टाइप भी डाली हुई है, हम डेटा टाइप निकाल दें तो भी नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों हो, क्यों रहा है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम और उसके बाद यहाँ पे हमको कॉलम लिखना पड़ेगा गाइस, समझे प्यारी, समझ गई। सॉरी, ओ यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर डाली थी, सेट यार यार लगता है इंग्लिश क्लासेस करने पड़ेंगे, मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब में जाके देख लेते हैं कि वैल्यू डिलीट हो चुकी है कि नहीं, ठीक है। तो डेंटर एंड देखो वैल्यू डिलीट हो चुकी है, पहले मोबाइल नंबर था अब नहीं है, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट मॉडिफाई कॉलम डेटा टाइप, यानी कि अगर हमको मॉडिफाई करना हो कॉलम की डेटा टाइप को तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले ही लेते हैं ये, हमें ये कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम लेके कंट्रोल है, कंट्रोल भी, और यहाँ पे मैं ले लूंगा ये प्राइस में ही, जो नंबर की जो स्ट्रेंथ है ना वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है गाइस। यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोडक्ट, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, और यहाँ पे मैं लिखूंगा नंबर 22, देखो गाइस टेबल में देखते हैं अभी वैल्यू एग्जीक्यूट हुई है कि नहीं हुई है, टेंटेड एंड हो गई गाइस, देखो 20 और 2 सिंपल।
अभी हमको रीनेम करना है, यानी कि कॉलम का नाम बदलना है, तो हम क्या करेंगे? तो अभी उसके लिए हमारे पास सिंपल से एक रीनेम का कमांड है, वो यूज़ करना पड़ेगा ताकि हमारा जो नंबर है, हमारा जो फंक्शन है, वो चेंज हो जाए। ठीक है गाइस, ये कॉपी कर लेंगे, पेस्ट, हम लिख लेंगे प्रोडक्ट, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा मोबाइल नंबर की जगह क्या लिखे, प्राइस, प्राइस के बदले लिख देंगे रुपया दे। यहाँ पे देखो गाइस, हम स्पेस यूज नहीं कर सकते क्योंकि जो डेटा टाइप है वो स्पेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेस को एज अ गार्बेज वैल्यू कर देंगे। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे मैं रन कर डाला और यहाँ पे टेबल इज बिन एलर्टेड का मैसेज आ चुका है। यहाँ पे मैं डिस्क्राइब में जाऊँगा और यहाँ पे आ गया रुपया दे। ठीक है, तो गाइज मेरे को रुपया दो, मेरे को बहुत जरूरत है, मैं गरीब हूँ। हमारे यहाँ गुजरात के सीएम का नाम है भूपेंद्र और मेरा नाम है लुखेंद्र। चलो चलो, बकवास बाद में, अभी हमको टेबल का नाम ही बदल डालना है। ओ माय गॉड, अब उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भी एक कमांड है, रीनेम। सिंपल, ये तो बहुत इजी है गाइस, ये इसमें प्रोग्रामिंग की कोई झंझट ही नहीं, बहुत इजी इजी आ जाता है। सही बोला ना गाइस, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख डालते हैं और ये रीनेम हो जाएगा एज अ स्टूडेंट डिटेल। देखो गाइस, अभी इसका क्या आ गया, इसका अभी ऑब्जेक्ट डिस्क्राइब नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि अब हमने इसका नाम ही बदल डाला ना, किसी का नाम बदल डालो तो उसको पता थोड़ी नहीं चलता है कि ये क्या है, समझे? मेरा कल मेरा नाम लिख दू, मेरा नाम है लेट्स क्रिएट न्यू, तो आपको पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। देखो ये स्टूडेंट डिटेल्स आ गया, सिंपल। अब यहाँ पे हमारा खत्म होता है हमारा सेकेंड वीडियो SQL का। ठीक है गाइस, तो गाइस यहाँ तक ही था आज का हमारा सफर, यानी कि आज ये हमारा आज का वीडियो यहाँ पे ही खत्म होता है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा, यानी कि कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा C++ के ऊपर, जिसमें मैं सिखाऊंगा आपको कि हम कैसे नंबर के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और SQL में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्या देखेंगे वो आपके लिए सरप्राइज है। ठीक है, और गाइस SQL जल्दी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट ही है जो सिर्फ बिगिनर्स को इंटरमीडिएट तक पहुंचाने के लिए मैं हेल्प करूंगा। ठीक है गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर, मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ गाइस, मेरे को रिव्यू देना कमेंट सेक्शन में, और मेरे सारे वीडियोज़ देखना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार समझो यार, हमारा भी परिवार है। चलो चलो गाइज, बहुत हो गई मजाक, बाय बाय, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।